नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। डीएम और एसएसपी ने पुलिस बल के साथ किया रूट मार्च। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने और जनपद के मतदाताओं को निर्भीक होकर बिना किसी डर और भय के मतदान करने का संदेश देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस पीएसी और एसएसबी के जवानों द्वारा दोनक्का से शिवनगर चौराहा पुलिस लाइन मोड़ तक रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों से अपील की गई कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए सभी नागरिक वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य ले लें। घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डीएम और एसएसपी ने जनपद वासियों से अपील की है कि विधानसभा चुनाव में सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें। डीएम और एसएसपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता को डराने, धमकाने, प्रलोभन, भय और दबाव से मतदान को प्रभावित करने की चेष्टा करता है तो इसे जिला प्रशासन द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और संसाधन उपलब्ध है। लाइव टीवी समाचार के लिए क्राइम ब्यूरो शरद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन के दौरान सभी नागरिक अपने मत का नैतिक दृष्टि से प्रयोग करें, आइए आगे, यही सबसे अपील है। कोई किसी को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता को दबाव देकर, प्रलोभन देकर या अन्य किसी माध्यम से अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बल उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, प्रभावी कार्रवाई करेगी। आप लोग निर्भीक होकर निष्पक्ष ढंग से टीका के, दोनों कोविड के टीके का कवच धारण करके अपने मत का प्रयोग करने शांतिपूर्वक अपने अपने बूथों पर जाएंगे, यह मेरा निवेदन है, अनुरोध है। किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के दौरान अराजकता फैलाने के लिए या चुनाव में मतदान शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने का जो भी प्रयास करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने से रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन